अस्सलामु अलैकुम। वीडियो से स्टार्ट से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप कहानी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि मज़ीद लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और दुरूद शरीफ एक मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। دم فإذا جاءت الطامة الكبرى خوفناك आवाज आएगी, दुकानदार को दुकान भूल जाएगी, बादशाह को तख्त भूल जाएगा, माओ को औलाद भूल जाएगी, बीवी को खामिंद, खामिंद को बीवी भूल जाएंगे, माएँ दूध पीते बच्चों को उठा के यूँ फेंकेंगे, यूँ यौम تذهل كل مرضية عما أرضعت। अभी दूध पिला रही, अभी लोरियाँ दे रही, जो वो धमाका आएगा यूँ फेंकेगी, कहा तू मर था मर, मैं बचा, लेकिन आज ना ये बचे ना वो बचे। अरे खौफनाक आवाज, सूरज फटता जा रहा है, तारे टूटते जा रहे हैं, चांद बिखरता जा रहा है, जमीन में दराड़ें पड़ रही, पहाड़ रुई बन रहे हैं, समंदरों में आग लग रही, दुनिया के बदनसीब तरीन लोग हैं जो क्यामत का दिन देखेंगे। फिर एक खौफनाक आवाज के साथ सारी दुनिया को अल्लाह मौत दे देगा। आज ना रोने वाला है, ना दफनाने वाला है, ना कफनाने वाला है। मुसलमान तो होंगे नहीं कि कोई जनाजा पढ़ने का कहूँ, ना कोई रोने वाला, ना कोई कफनाने वाला, ना कोई दफनाने वाला। आज जिन भी मरे, इंसान भी मरे, बच्चे भी मरे, बूढ़े भी मरे, जवान भी मरे, शाह भी मरे, गधा भी मरे, हुसन वाले भी, खूबसूरत भी, आ ये लाशें पड़ी हैं, कोई कब्र नहीं, कोई कब्रिस्तान नहीं, कोई कब्र खोदने वाला नहीं, कोई पुरसा देने वाला नहीं, कोई ताजियत करने वाला नहीं। पहले आसमान पे मौत, फिर दूसरे को मारा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातों आसमान के फरिश्तों को गिरा दिया, जेरो जबर कर दिया। फिर मेरा अल्लाह कहेगा कौन बाकी है, आवाज अल्लाह कहेगी कौन बाकी है, तो मलकुल मौत कहेगा या अल्लाह ये अर्श के चार फरिश्ते हैं और ये मिकाइल इसराफील जिब्राइल बाकी हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाइल मर जाएं, तो उस पर अल्लाह का अर्श कहेगा या अल्लाह जिब्रील मिकाइल को तो बचा ले, तो अल्लाह कहेंगे उसकुत फकत कतबतुल मौत अला मन काना तहत अर्शी, खामोश मेरे अर्श के नीचे मौत ही मौत है। फिर अल्लाह कहेगा कौन बाकी, कहेंगे या अल्लाह अर्श के फरिश्ते इसराफील और मैं। अल्लाह कहेंगे अर्श के फरिश्ते मर जाएं, धड़म उग गए। फिर अल्लाह कहेगा कौन बाकी, कहेंगे अल्लाह इसराफील और मैं, इसराफील मर जाए और इसराफील मरेगा। अब ऊपर अल्लाह, नीचे इसराइल। अल्लाह पूछेगा कौन बाकी, कहेगा यार अल्लाह बस अब तो मैं ही बाकी। तो अल्लाह कहेंगे मत फइन्नका खल्कुन मिन खल्की, होय 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 होय, जा तू भी मर जा, तू भी मेरी एक मखलूक है। ये दुनिया की हकीकत है। फिर अल्लाह ताला कहेगा मन कान अली शरीक अनफलियात है, कोई है मेरा शरीक तो आओ। मन कान अली शरीक अनफलियात है, कोई है मेरा शरीक तो आओ। मन कान अली शरीक अनफलियात है, कोई है मेरा शरीक तो आओ। फिर जमीन आसमान को ऐसे झटका देगा, एक झटका देगा, फिर कहेगा अनल मलिक मैं बादशाह। फिर दूसरा झटका देगा, फिर कहेगा अनल कुद्दूस सलामुल मोमिन, मैं हूँ कुद्दूस सलामुल मोमिन। फिर तीसरा झटका देगा, फिर कहेगा अनल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बर। मुतकब्बर तकब्बर कभी ना करना, एड़ी मार के ना चलना, गर्दन टेढ़ी करके ना चलना। आदमी जिना शराब से इतना अल्लाह की नजरों में जलील नहीं होता जितना तकब्बुर से जलील होता है। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की सिफत है। हो। फिर अल्लाह कहेगा ऐनल मुलुक, बादशाह किधर है, ऐनल जब्बारून, वो जालिम किधर है, ऐनल मुतकब्बिरून, तकब्बुर करने वाले किधर हैं। फिर अल्लाह कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज कौन बादशाह है, कोई है ही नहीं जवाब देने वाला। फिर अल्लाह खुद कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज अकेले अल्लाह की बादशाही है। हयू
ये इस दुनिया का अंजाम है, यहां से अल्लाह को पालो फिर मौज करो, क्यामत का धमाका भी आपको खौफ ज्यादा नहीं करेगा। बस अल्लाह को पालो, अल्लाह को पालो, अल्लाह को पालो। इसके लिए जो कीमत देनी पड़े दे दो। दुनिया ने छूट जाना है, आपकी कब्रों में नहीं जाएगी, औलाद दफन करके वापस आएंगे, कभी फातिहा पढ़ने भी नहीं जाएंगे। हम तो फिर भी कभी ना कभी अपने वालदैन की कब्रों पे चले जाते हैं, यहाँ कोई नहीं आएगा तुम्हारी कब्रों के फातिहा पढ़ने। याद भी नहीं रहेगा कि प्यो दी कब्र कित्थे थे, अम्मा दी कब्र कित्थे। लिहाजा अपनी जिंदगी की मंजिल अल्लाह बनाओ, अल्लाह बनाओ, अल्लाह बनाओ। फिर्रू इल्लाह, कहता कमाने के लिए चलो और मुझे पाने के लिए दौड़ो, कमाने के लिए सफर करो, मुझे पाने के लिए भागो। फिर्रू इल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। वसारिऊ इला मग़फ़रतिन मिन रब्बिकुम, मुकाबला करो दौड़ में, मुकाबला करो कि मैं आगे बढ़ के अल्लाह को पाऊंगा, मैं आगे बढ़ के अल्लाह की मग़फ़रत और जन्नत को लूंगा। साबिकू सारिऊ तनाफसू वफी ज़ालिक फलयतनाफसुल मुतनाफिसून। मेरे भाइयों, जिंदगी का असल सही ट्रैक है कि अपनी आखिरी मंजिल अल्लाह बनाओ, फिर कुछ खोया कुछ पाया ये रास्ते की चीजें हैं, इनका ये कोई बड़ा मैटर नहीं करती हैं। अल्लाह को खोकर सब कुछ खो दिया, अल्लाह को पाके सब कुछ पा लिया। मज़ीद इस्लामी वाक़ियात और बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।